सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर INLD आज वाहन रोको आंदोलन कर रही है। पार्टी ने हरियाणा में पंजाब से आने वाले वाहनों को रोकने का ऐलान किया है। इंडियन नेशनल लोकदल का ये विरोध प्रदर्शन शाम 3 बजे तक रहेगा। इसके मद्देनज़र हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5 जिलों में हाई अलर्ट है। अर्धसैनिक बलों की 4 टुकड़ियाँ बुलवाई गई हैं और लगभग 1000 पुलिसकर्मियों को हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर तैनात किया गया है। कई स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी किए गए हैं। पंजाब के सरकारी ट्रांसपोर्ट विभाग ने एहतियातन PRTC और पंजाब रोडवेज की हरियाणा और दिल्ली जाने वाली लगभग 100 बसें आज शाम 5 बजे तक न चलाने का फैसला किया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने मांग की है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण का तुरंत ऐलान करे। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।